ये पटना का इस्कॉन मंदिर है। बहुत ज्यादा ही खूबसूरत है। बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत, वृंदावन वाला फील आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि वृंदावन में आ गया है। पटना में तो मैंने क्या कहते हैं, सही में हम लोग फील कर रहे हैं, वृंदावन आ गया है। इस्कॉन मंदिर में हम लोग को जो मंदिर बनाए थे, इसका तीसरा स्थान, पहला है मायापुर में, दूसरा बॉम्बे है, तीसरा स्थान यहाँ पटना करता है। इतना भव्य मंदिर, इतना सुंदर मंदिर, हमारे बिहार के लिए गौरव है। बिहार के लिए तो बहुत बड़ी बात है। बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। बहुत अच्छा। बेंगलोर में हमने देखा, दिल्ली में देखा, ठीक वही सबका स्वरूप है। यहाँ पे जितनी भीड़ होती है सुबह या शाम में, बहुत ही खूबसूरत लगता है। श्री बांके बिहारी जी मंदिर एवं वैदिक संस्कार केंद्र, ये पटना का इस्कॉन मंदिर है और 84 पिलरों पर बना यह मंदिर अपने आप में नायाब है। बिहार को इस मंदिर के साथ धार्मिक क्षेत्र में एक नए स्थान का ये अनुष्ठान की प्राप्ति हो गई है और बिहार के खासकर हिंदू धर्मावलंबियों के लिए ये बहुत बड़ा केंद्र बनकर के उभरा है। बिल्कुल भव्य अलौकिक सुंदरता है इसकी। इसकी नक्काशियाँ आप देख लीजिए, ये जो नक्काशियाँ 12 साल लगे हैं इसके इस स्वरूप को तैयार होने में। राजस्थान के मकराना से लाए मार्बल से इसकी नक्काशी की गई है और इसकी फ्लोरिंग सफ़ेद जो दूधिया मार्बल होता है, बिल्कुल वाइट मार्बल से किया गया है। ये बिल्कुल नाग शैली में से बने हुए हैं। आप जितने भी पत्थर देख रहे हैं, जो इसके पुराने आर्किटेक्चर सोमपुरा हैं गुजरात के, उनके लोगों ने ये नक्काशी की है। और स्टोन जो सैंड स्टोन है, हम लोग राजस्थान से लाए, बियाना से। और इसके बाद जो मार्बल की देख रहे हैं, मार्बल बिल्कुल मकराना का है। बहुत स्मूथ लगता है जब इसमें घुसते हैं और इन्वायरमेंट ऐसा कि लगता है कि सकून के दो पल यहाँ बैठ के गुजार लें। नेचुरल डिज़ाइन है, आप देखें, स्टेप अप बिल्डिंग है। एक जैसे ही पीछे पीछे जा रहा है, एक छूटते जा रहा है स्पेस, तो इसकी एक खूबसूरती अलग है। क्योंकि एयर, लाइट, इन्वायरमेंट, हम लोग बिल्कुल ऐसा चाहते हैं कि लोग एयर कंडीशन लगा दिए सब कुछ। यहाँ अगर एयर कंडीशन नहीं भी चलेगा तो भी इसमें हवा आएगी, प्रकाश आएगी और लोग आराम से रह सकते हैं। इको फ्रेंडली हम लोगों ने बनाया इसको। जब से ये खुला है, पहला दिन जब इसका ओपनिंग था उस दिन भी हम पहुँचे थे, लेकिन उस दिन कैमरे का बैटरी चार्ज नहीं था, जिसके कारण हम पूरी तरह से वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पाए। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं कि थोड़ा देर हुआ है, लेकिन हम दोबारा पहुँचे आपके लिए तस्वीरों को रिकॉर्ड करने के लिए। भव्यता की अगर बात करें तो जैसे ही आप पटना जंक्शन से इस GPO की तरफ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर यह भव्य गेट आपको दिखेगा। जो तीन दरवाजों वाला यह गेट के मुख्य दरवाज़ा जो है, ये अपने आप में बयां करता है कि कितनी भव्य अंदर में आकृति इसकी बनी होगी या भव्य कलाकृति होगी। तीन अलग अलग अनुष्ठान है, जिसमें एक तरफ में सबसे दाहिनी तरफ में यहाँ भगवान श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान जी विराजमान हैं। बीच में जो बीचों बीच ये स्थित है, यहाँ बांके बिहारी जी हैं। तो इस तरह का अलौकिक भव्य जो मंदिर है उसका लोकार्पण बिहार वासियों के लिए हो गया और पूरे बिहार से लोग यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं। यह बिहार का गौरव है, बिहार के लिए नहीं, भारत का गौरव है। आज इस मंदिर में लाखों लोग आ रहे हैं, एक आध्यात्मिक वातावरण बन रहा है। आज के भाग दौड़ के से लोगों को एक शांति मिल रही है, हरे कृष्ण का माहौल बन रहा है, लूटपाट का वातावरण खत्म हो रहा है, इसलिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। बिहार के लिए तो मतलब वन ऑफ द मोस्ट लाइक विजिटिंग प्लेस हो गया है। यहाँ पे जितनी भीड़ होती है सुबह या शाम में, बहुत ही खूबसूरत लगता है। ऐसे आपको बताते चले कि पूरे विश्व में यह तीसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर है जो बिहार को मिला है। और यहाँ के लोग कहते भी थे कि हर जगह इस्कॉन बना है लेकिन अपने बिहार में नहीं है, इसकी कमी खल रही थी और वो आज जाकर के पूरा हो गया है। सब जगह, पूरे टाउन में, इंडिया के बड़े बड़े शहरों में इस्कॉन मंदिर था, यहाँ नहीं था। इसके कारण हम लोग लज्जित होते थे कि यहाँ भी धर्म का कुछ आस्था लोगों को है और इस कारण जो है यहाँ भी होना चाहिए था। हम लोगों का बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट था इन लोगों से कि आप यहाँ पर एक मंदिर बनाइए और उस आग्रह को कैसा बना है। बहुत अच्छा। बेंगलोर में हमने देखा, दिल्ली में देखा, ठीक वही सबका स्वरूप है। चलिए हम आपको अंदर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं और इसकी भव्यता से आपको रूबरू करवाते हैं।
में मंदिर की दीवारों पर इसी तरह की आकृतियों को ऐसे उकेरा गया है जैसे लगता है कि दीवार के बाहर ये मूर्तियाँ अब बोल पड़ेंगी। देखिए कुछ इस तरह से, ये देखिए कैसे आकृति बाहर उभर करके बाहर निकला हुआ है। इस तरह की आकृतियों को आप देख सकते हैं, बिल्कुल इसकी भव्यता और सुंदरता अपने आप में मोह लेने वाला कहिए इस तरह का है बना हुआ। और ये देखिए भगवान कृष्ण का जो वो पहाड़ उठाने वाला जो दृश्य है, पूरे दीवारों पर भगवान कृष्ण के कई रूप को उकेरा गया है, जिसमें से एक ये भी है। कृष्ण के बाल लीला को दर्शाया गया है। ये वृंदावन वाला फील आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि वृंदावन में आ गया। पॉन टेम्पल मैं पहले भी विज़िट की हुई हूँ दिल्ली में, बट जहाँ तक मुझे लग रहा है वहाँ से ये बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है। और यहाँ का जो स्कल्पचर है और जो यहाँ की मतलब नक्काशी की गई है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। और ऐसा लगता है कि यहाँ पे लोग आके आराम से बैठ सकते हैं, 3-4 घंटे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4:30 बजे से लेकर के मंदिर खुल जाती है 5 बजे तक, आधा घंटा मंगल आरती होती है। इसके बाद 7:15 बजे दर्शन आरती होती, भगवान को स्नान करा के भोग लगा के ड्रेसिंग करके दर्शन आरती हो 7:15 बजे, फिर 8:15 बजे फिर आरती होती है, भोग लगता है, फिर 12:30 बजे और 1 बजे तक चलता है। 1 से 4 भगवान शयन में जाते हैं, फिर 4:30 बजे से लेके 9 बजे रात तक भगवान खुले रहते हैं, आरती पूजा होती रहती है। तो देखा आपने, लगभग 1,000 करोड़ की लागत से इस भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है और अपने आप में इसकी भव्यता खुद तस्वीरें इसकी कहानी बता रही हैं। उम्मीद है कि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और वीडियोस को YouTube पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। Instagram और Twitter पे भी हम मिलते हैं, आप चाहें तो वहाँ जुड़ेंगे तो हमारा लगेगा कि हमारा परिवार और थोड़ा आगे बढ़ रहा है।